नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े ही आराम से इस वीडियो को बनाऊंगा और आपको भी बड़ा ही शालीनता के साथ इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आपको ऐसे यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोज मिलेंगे जिसमें इतना प्रॉपर वे में ये सब समझाया जाए कि अभी तक के जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनसे निकल के जो क्वेश्चन आ रहा है, जो पूरा एक एक्सपीरियंस है, वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। मींस कि जो बच्चे अभी एग्जाम देने जाएंगे आने वाले 10 दिनों तक, तो ये वीडियो जाहिर सी बात है कि हर कोई देखना चाहेगा कि वो अपनी गलतियों को होने से पहले सुधार ले और अपना जो बेस्ट वहां पे परफॉर्मेंस है वो वहां दे सके। तो इसीलिए इस वीडियो को आप सभी लोग बड़े ही आराम से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्टिंग के दरमियान वहां से पूछा गया एक्सपीरियंस है और वहां पे बच्चों से लिए गए क्वेश्चंस है। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही एग्जाम सेंटर पे क्या पूरा एक माहौल है, जो एक वहां प्रोसीजर है, वो आपको कैसे फॉलो करना है ये भी समझाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, अलग अलग देश के राज्यों में जो अभी टेम्परेचर है वो ज्यादा है, अबाउट हर जगह लगभग 42-45 के बीच में है। जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो ऐसे में आपको हमेशा लिक्विड लेते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको चक्कर आ जाए, क्योंकि मैं अपने आंखों से सेंटर पे बच्चों को चक्कर खा के गिरते दिखा, खासकर लड़कियों को। इतनी तेज धूप है, सेकंड शिफ्ट बच्चे जो है तो हालत खराब हो जाएगा जब वो 2 से 3 के आसपास वहां खड़े रहते हैं। सो ऐसे में प्लीज बी केयरफुल। आगे का जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने पार्ट 1 के क्वेश्चन डिस्कस किया है, लेकिन जो यूजी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इनके एग्जाम्स के आने वाली जो कमेटी है, जो प्लेटफॉर्म है, जो एजेंसी है, वो सबका सेम है और वो है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, स्टार्ट करें। एग्जाम सेंटर पे 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो तो आपको भूलना ही नहीं है। जैसे कि आपको एक एडमिट कार्ड, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो चाहे कलरफुल हो, दोनों ही चलेगा। हाँ, उसके दोनों पेजेस ले लेना तो भी चलेगा, सिंगल रहेगा तो भी चलेगा। कोशिश कीजिए कि दोनों पेजेस ले लीजिएगा, ठीक है। इट मींस कि जितने भी उससे लगे हुए 2 इंस्ट्रक्शन वाले निकलते हैं पेज, वो भी ले लीजिएगा। यहाँ बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 ले जाएंगे 1 ले जाए, ऑफकोर्स आप 2 ले जाइएगा, ठीक है, एक और उसके साथ एक और अटैच करके। ओके, आईडी में आप डीएल पैन कार्ड जरूर ले जा सकते हो या बाकी और कोई आईडी जो उसमें दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में, लेकिन आधार कार्ड कंपलसरी है, क्योंकि बायोमेट्रिक के समय में आपसे वो आधार कार्ड नंबर से ही आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे में या तो आप आधार कार्ड लेके जाओ या तो आधार कार्ड का नंबर याद होना चाहिए। सपोज आप सेंटर पे आधार कार्ड भूल जाते हो तो ऐसे में आप कोई दूसरा आईडी दिखा दो और घर पे फोन करके या कहीं भी अपना ईमेल पे सेव करके रखे हो तो उनसे नंबर लेके याद कर लो या कहीं नोट कर लो और वो जाके नंबर वहां बायोमेट्रिक बता देना, फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा ज्यादा लफड़े में ना पड़े तो आधार कार्ड लेकर जाए, ठीक है, साथ में 2 फोटो। अब ये फोटो का जो कंफ्यूजन है मैं क्लियर कर रहा हूं। बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर जो एडमिट कार्ड पे वही होना चाहिए, ऑलवेज वही होना चाहिए, लेकिन इन केस आपके पास नहीं है तो आप एक दूसरा फोटो भी कैरी कर सकते हो। ज्यादा बेहतर है कि वही वाला फोटो हो, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ज्यादा अच्छा है वही फोटो। बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने फॉर्म भरते वक्त किसी साइबर वाले के भरवाए सेल्फी फोटो डाल दिए, ऐसे नहीं करना है। बार बार जगह जगह पे आपको रीचेकिंग के लिए कर देते हैं, मतलब इनका फिर से चेक करो, ये मैच नहीं कर रहा, रीचेकिंग करो, साइन नहीं मैच कर रहा, रीसाइन करो। तो ये चीजें लफड़े में फंसोगे, बार बार आपको वेट कराया जाएगा। ज्यादा अच्छा है कि आपका काम स्मूथली चल जाए, इसीलिए ये सब चीजें ध्यान देनी होती है। अब थोड़ा सा हट के बात करूंगा कुछ पॉइंट्स पे। जैसे मैंने देखा कि जो बहुत पहन वहन के गया है, बहुत थोड़ा सा जो हैवी कपड़े होते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मेटल्स वगैरह ना लगे हो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब आप सिंपल कपड़ा कैरी करो, चाहे टी शर्ट और लोअर वो डाल लो, कोई सिंपल सा जींस या इस टाइप का कोई पैंट डाल लो, और लड़कियां भी उसी तरीके से फॉलो करें। ये नहीं कि आप बहुत मेटलिक कपड़े, जैकेट डाल, उसमें ढेर सारा मेटल लगा हुआ है, पार्टी फंक्शन नहीं है बेसिकली, आपको एग्जाम देने जा रहे हो तो बस गर्मी से बच सको और कपड़े पहन लो, अच्छे दिखो, इतना पहन के चले जाओ, ठीक है। सिंपल होना चाहिए जिससे कि आपको मेटल डिटेक्टर के समय में ज्यादा परेशान ना किया जाए, बार बार पी बोलेगा, चेक करेंगे, नीचे करेंगे, हाथ ऊपर करो, नीचे करो, पैर उठाओ, तो ये सब चीजें ना करना पड़े, ठीक है। बेसिकली बहुत ही सिंपल कपड़ा पहनना। ओके, बेल्ट वॉच ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैलकुलेटर फलाना ढिमकाना, तो कॉमन सेंस की बात है कि सब चीजें नहीं ले जाना है। एक न्यू चीज निकल के आई कि लड़कियां जो मेटल्स पहनती हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर,
ये सब जो भी होता है सजने सजने वाले, तो वो चीजें कोशिश करें कि कोई सिंपल सा पहन के छोटा सा चला जाए, जिससे कि वो लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सके और आपको सेंटर में एंट्री दिला सके। बहुत इस टाइप का नहीं कि उन्हें एक बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या पहन के आइए, निकलवाओ बाहर निकलवाओ, ऐसी चीजें ना। और ज्यादा अच्छा है कि एक दिन के लिए गोल्ड की जगह पे कोई और मेटल पहन के चले जाओ, ठीक है भैया। तो प्लीज एग्जाम है तो एक दिन के लिए प्रिपेयर कर लो खुद को, सही रहेगा। फिर यहाँ पे है बैग एंड मोबाइल्स। अगर आपका, क्योंकि आपका प्रेफरेंस पहला दिया जा रहा है, ऑलरेडी जो सेंटर्स हैं वो हमें बताई दिए जा रहे हैं, सिटी बताई दिया जा रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके पास एक गार्जियन जो है वो अवेलेबल हो, तो प्लीज आप अपने गार्जियन के साथ जाएं जो आपका इन सामानों का जो है वो वहां पे केयर कर सके। और नहीं अकेले जा रहे हो तो वहां पे जमा करने के लिए होता है, आप जमा भी कर सकते हो, बट बी केयरफुल, ठीक है। सो प्लीज मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम जाने से पहले ये सब चीजें जो है ध्यान दोगे तो परेशान नहीं होगे। एक पानी का बॉटल जो कि एग्जाम सेंटर के पहले तक आप यूज कर सकते हो तो ले लीजिएगा पीने होने के लिए, बाकी एग्जाम के अंदर जाओगे तो पानी अंदर मिलेगा, कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, पेन तक नहीं ले जा सकते हो आप, समझ रहे हो ना। सब कुछ माही माही पूरा खुलवा देंगे, कालर फटा करके हर कुछ बहुत ऐसे प्रॉपर में चेकिंग चलती है वहां। तो सेंटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ सेंटर्स में होता था इजिली भी जाने दें, कुछ सेंटर में बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं बहुत ज्यादा। तो प्लीज आप लोग इन सब चीजों को ध्यान दें और ग्लूकोज और इस टाइप के जो इलेक्ट्रोल या सिंपल पानी वाटर है आप जरूर पिए। मैं चक्कर खा के गिरते देखा हूं आप लोगों को, सो प्लीज जरूर पिए। और होपफुली तो इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन भी डिस्कस कर ले रहा हूं। ओके, मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसमें जो अभी तक दो दिनों में पूछा गया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इनका हो गया, देख रहा हूँ, एलजेब्रा एंड मेंसुरेशन। बार बार यहां से क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड मेंसुरेशन, समझ रहे हो, मतलब कोई वैल्यूम किसी का पेरीमीटर, मतलब परिधि या जो भी बोलते हैं, मतलब पेरीमीटर हो गया, किसी का रेडियस निकालना है, किसी का कॉर्ड निकालना है, किसी का, मतलब इस टाइप के जो मेंसुरेशन से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सब यहाँ पे पूछा जा रहा है। और बेसिक्स मैथ में तो लगभग 5-6 टॉपिक आप प्रिपेयर कर ले, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज रेशियो के एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, सीआईएसआई के क्वेश्चन जरूर आएंगे, जो वर्क डे होता है, जैसे कि दो नले हैं वो इतने घंटों में एक टंकी को भर देती हैं, अब एक को आधे घंटे के लिए खोला गया, दूसरे को दो घंटे के लिए खोला गया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेशियो, परसेंटेज, सीआईएसआई और नल टंकी या वर्क डे, सबका फॉर्मूला एक ही जैसा सॉल्व करने का होता है। और मेंसुरेशन अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब जो एक्स वाई, मान लो कि यहाँ पे आपको दे दिया ए प्लस बी की वैल्यू दे देगा, ठीक है, इस टाइप का, और फिर आपसे ब्रैकेट में लगा के ए प्लस बी स्क्वायर माइनस करके या प्लस करके क्वेश्चन बना देगा। तो इस टाइप के जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, वो आप देख लेना। उसके बाद रीजनिंग में मैं यहाँ पे देखा कि ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन, रैंकिंग ऑर्डर से एक क्वेश्चन, साथ ही साथ यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज से एक एक क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 रहेंगे रीजनिंग के, जो कि इस टाइप के चैप्टर से ही लिए गए हैं अभी तक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ब्लड रिलेशन से, जैसे कि रोहन ने अपनी पत्नी का परिचय कराते हुए कहा कि इसके दादा के पोती के फलाना के ढिमकाना के, ये इस टाइप के क्वेश्चन रैंकिंग ऑर्डर में। एक क्वेश्चन में लास्ट में दूंगा अभी, रोहन के बगल में मोहन, मोहन के बगल में सीता, दाएं बाएं करके जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन में आगे दे रहा हूं, आप देख लो कि एक क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। सीए यानी करंट अफेयर्स से यहाँ पे दो क्वेश्चन ही बन रहे हैं, चूंकि देखो 25 क्वेश्चन का ही सेट है, तो ऐसा नहीं है कि वो भर भर के करंट अफेयर्स देंगे, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने आप में बहुत वेटेज है दो क्वेश्चन का। जितने भी दिसंबर से लेके यानी दिसंबर टू अप्रैल तक के अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, पद्म वाले, पद्मश्री, विभूषण, ये जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, चाहे स्पोर्ट्स कैटेगरी में कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ग्रेमी अवार्ड हो गया, फिल्म इंडस्ट्री में कोई दिया गया हो, कोई लिटरेचर से रिलेटेड कोई दिया गया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो साउथ की पर्सनैलिटीज है उनको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अवार्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देख लेना आप लोग। फीफा वर्ल्ड कप अभी 22 का 23 के लास्ट तक लगभग हुआ है, तो ऐसे में जो फीफा 2022 है वो आप पूरा प्रिपेयर कर लो कि उसमें जो बेस्ट प्लेयर है, गोल्डन बॉल है, गोल्डन
बूट है, ये किसको दिया गया है, कौन टीम जीती है, ये पूरा मैंने डाला भी है कहां पे, कम्युनिटी में, क्वेश्चन वाइज आप उसको भी जाके वहां पे सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी। आईफा अवार्ड हो गया, ऑस्कर हो गया, यहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और पूरा मंथ वाइज करंट अफेयर्स देख लो, मतलब ऐसा नहीं कि आप डे का देखो, देखो कोई चैनल ऐसा है क्या जो आपको पढ़ाया है सीधे दिसंबर पूरा, जो स्पीड लगा के देख जाओ, फिर उसके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके जीके डीएस के साथ बहुत खेला हो गया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जीके डीएस में कैसे बोलूं कि हाँ यही आ रहा है, जैसे वो लोग बिटवीन भी दे सकते हैं कि इधर दो क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत जरूरी है जानना, सब कुछ ऐसे कॉलम बना देंगे, ठीक है, ऐसे चार कॉलम बना देंगे ऐसे करके, यहाँ मान लो बिटवीन ए दे देंगे, बी दे देंगे, सी दे देंगे, डी देंगे, और इस टाइप उसके सोर्सेस दे देंगे या उससे बीमारियां, उससे कमी होने वाली बीमारियां दे देंगे, मतलब सोर्सेस मतलब कि इसको खाने से सही हो सकता है। मान लो यहाँ पे दे दिए सिट्रस फल या नींबू दे दिए, यहाँ पे दे दिए हरे फल, यहाँ पे दे दिया सनलाइट, मतलब ऐसे दे दिया, और आपको अब पता है कि ए है, मतलब बी है, तीन है, चार है, और यहाँ पे ए बी सी डी करके वो लोग फ्रेम करेंगे कि पहला का तीसरा चौथा पांचवा, फिर आपको क्लिक करना होगा, बहुत कैलकुलेशन है वहां पे स्क्रीन में। एक और कमी में देखा, जैसे बड़ा सा स्क्रीन है तो बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, कर्सर भी नहीं काम करता है उनके वो चूहे का क्या कहते हैं माउस का, बार बार मैं एनडी को खैर इस बात के लिए पक्का मेल करूंगा और मैं ट्विटर पर टैग भी करूंगा, प्लीज आप इस फंक्शन को जरूर करें, बच्चों बहुत टाइम लॉस होता है इसको पढ़ने में। अब पैसेज दे रहे हैं, अब दो पैसेज भी आएगा, ध्यान देना किसी किसी में एक ही पैसेज आएगा, मेंटली प्रिपेयर रहो कि एक पैसेज आएगा, ठीक है। और पैसेज बहुत अनसीन भी हो सकता है, सीन भी हो सकता है, जैसे कि हिंदी वालों में कहा गया था हामिद का चिमटा, शायद बहुत पहले की एक कहानी है जो मेला देखने जाता है, तो उससे रिलेटेड कितने पैसे लेके गया था, कितना दूर मेला था, उसकी जो मम्मी फातिमा है या हाँ शायद फातिमा नाम है, तो वो जो है वो किसका कपड़ा सिलने के लिए रखी है। इंग्लिश वालों में भी बहुत सिंपल सा पैसेज आया था, उससे पांच क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग, चार से पांच क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपका पक्का सही हो जाएगा। इंग्लिश वाले बेसिकली साइनो एंटो प्रोपोजिशन कंडक्शन, मतलब पार्सल स्पीच पूरा पढ़ के जाओ, बहुत बेहतर कर लोगे। तो जीके जीएस के लिए कुछ भी, मतलब आपने छठी से लेके नौवीं दसवीं तक जितनी भी एनसीईआरटी पढ़ी है, बेसिकली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं, डिक्टो एनसीईआरटी के लाइंस, अब क्वेश्चन देखते माइंड में आएगा यार ये तो सातवीं क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां पर एक और बात मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि इनके क्वेश्चन में एरर बहुत ज्यादा है, आप पार्ट फर्स्ट के लैंग्वेज भी नहीं बदल सकते हो, ध्यान दीजिएगा, पार्ट फर्स्ट में जो लैंग्वेज आपने चूज करा है वही लैंग्वेज वहां पे मिलेगा आपको, स्टार्टिंग में एक बार चूज करने का मौका ही मिलता है बाय डिफॉल्ट के लिए, लेकिन पार्ट टू की जो लैंग्वेज है, मतलब क्वेश्चन लैंग्वेज जो है वो आप बदल सकते हो, पार्ट टू के लिए आप इंग्लिश हिंदी कर सकते हो ऑन द स्पॉट, लेकिन पार्ट फर्स्ट के लिए जो लैंग्वेज चूज किए हो हिंदी या इंग्लिश उसी में आएगा। सपोज आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी के पैसे जाएंगे, बाकी हिंदी के रचनाओं के रचनाकारों के नाम और जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग करंट अफेयर्स ये पूछा जाएगा, लेकिन आपने अगर इंग्लिश ऑप्ट करा है तो इंग्लिश में इंग्लिश के पैसे जाएंगे, साइनो एंटो कंजक्शन प्रोपोजिशन पार्सल स्पीच ग्रामर और उसके बाद रीजनिंग मैथ करंट अफेयर्स ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि प्लीज आप इन सब चीजों को मेंटली प्रिपेयर होकर जाए कि आप किस चीज का पेपर देने जा रहे हो, क्या आपसे पूछा जाएगा। होपफुली जीके जीएस के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि डोमेन फोकस करो, ये भगवान भरोसे अच्छा जाएगा अगर आपने जीवन में थोड़ी सी भी कहीं पढ़ाई करी होगी तो, मुझे ऐसा लगता है। ओके, और फिर अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है, कमेंट करिए पूरा एक क्वेश्चन, यहाँ पे आपको इस ये सेक्वेंट सीरीज से क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट एग्जाम में सीयूटी पीजी के पार्ट फर्स्ट में, यहाँ पे आपको इसका नंबर वैल्यू बताना है कि क्या होगा। अमन को 79 लिख रहा है तो हैप्पी को क्या लिख सकता है, प्रोसेस के साथ यानी सोल्यूशन के साथ आप कमेंट करिए कि हैप्पी को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्या नंबर दिया जाएगा। ग्रैमी अवार्ड 2023 किसको दिया गया है ये आपको पूछा गया था, एक क्वेश्चन परसेंटेज से था, जैसे कि किसी वस्तु को बेचने पे 30% की हानि होती है, लॉस होता है, क्वेश्चन फिर से सुनो, एक वस्तु को बेचने पे 30% का लॉस होता है तो कितने रुपए में बेचा जाए कि 40% का प्रॉफिट हो जाए। फिर ऑप्शन है भाई, जाहिर बात है ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को इस टाइप क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। सीआईएसआई का एक क्वेश्चन सीधे सीधे फार्मूला से रिलेटेड होगा, ये आपको बस बेसिक साधारण ब्याज का फार्मूला पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक,
लेकिन उसमें फ्रैक्शन वाला कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब आपका जो रेट है वो फ्रैक्शन में दे देगा, तब आप कैसे सॉल्व करोगे, जो आपका ईयर है वो फ्रैक्शन में दे देगा, एक साल नहीं, डेढ़ साल, दो साल नहीं, साढ़े दो, मतलब ढाई साल, साढ़े तीन साल, साढ़े चार साल, इस टाइप के क्वेश्चन प्लीज सीआईएसआई देख लेना। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था कि राही जो है वो बड़ा है बट सोमू से छोटा है, सोना से छोटा है, और सोना जो है बड़ी है बट मोना से छोटी है, इस टाइप के क्वेश्चन तो लास्ट में पूछ देगा कि मान लो मोना भी छोटी है राही बड़ा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है बेसिकली आप ऐसे एरो लगा के सॉल्व करते जा सकते हो। मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ प्रभु, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ जिससे कि आप बेहतर कर सको। और आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे कंटिन्यूअस ऑफिशियल अपडेट्स एनालिसिस वीडियो आ रहे हैं, होपफुली वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखें। बीएचयू का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कल से स्टार्ट हो रहा है, ये वीडियो मैं इमीडिएटली रात में ही अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो हर किसी के स्टेटस पे लगना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आपका ये तमाम चीजें आने वाले समय में जो काउंसलिंग एंड कटऑफ वीडियोस हैं वो मिस नहीं होना चाहिए। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने भी क्वेश्चंस मैं दिया हूं वो आपका कमेंट होना चाहिए, देखता हूं किसका क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा सही है, मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं।